कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुज्जल ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल पर निशाना साधा। गुज्जल ने धारीवाल की ओर से किए गए विकास कामों के शिलान्यास को नौटंकी करार दिया। उन्होंने कहा कि धारीवाल ने 22 करोड़ के कामों का शिलान्यास किया, लेकिन पुराने कोटा में जिस विकास काम की बात की जा रही है, चुनाव से पहले 32 करोड़ के काम का बजट नगर निगम को दिलाया था, उसी काम को धारीवाल ने अपने अहंकार में रुकवा दिया। तो वहीं बच्चों की मौत के मामले पर गुज्जल ने कहा कि यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री को मासूमों की मौत पर संवेदना प्रकट करने तक का समय नहीं है। और बड़ा जोर से प्रचारित करने की कोशिश की, पहली बार ओल्ड सिटी को मिलेगी सीमेंट की सड़कें। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सरकार में तीन तीन बार मंत्री रहा हुआ व्यक्ति इस तरीके की नौटंकी करने में माहिर है। मैं चुनाव से पहले ओल्ड सिटी के लिए नगर निगम कोटा को 32 करोड़ रुपए का पैकेज राज्य सरकार से मंजूर